200 मिलियन मेरे को बहुत ज्यादा लगता है अभी, लेकिन 100 मिलियन तो अभी इंडिया में ही कर रहा है, तो 150-175 पोटेंशियल है मेरे को लगता है। अब आगे वाली आने वाली पिक्चर शायद 1,000 करोड़ में बना सकते हो। ये आगे तो इसके साथ है ना, महेश बाबू के साथ, हाँ, इंडिया में अच्छा, जोन स्टाइल। हाँ, ओके, मेरे को लगा आरआरआर का सीक्वल बन रहा है। नहीं नहीं, नहीं नहीं वो है, मतलब वो लाइन चल में रहा है। है प्लान ऐसा, ओके, अभी स्टोरी डेवलप करेंगे लेकिन अभी लेकिन महेश बाबू के साथ बनाएगा। मैं नहीं 1,000 करोड़ जाएगी या 700, बजट बोल रहे हो क्या? तो नहीं पता, 1,200-1,500 करोड़ अभी केजीएफ अभी चली जितना जाएगी। नाम हो गया है ना, हाँ, तुम कलेक्शन की बात कर रहे हो, बजट की बात कर रहे हो? बजट, हाँ नहीं, ट्रिप केजीएफ का बॉक्स ऑफिस 1,500 करोड़ का, 1,500 करोड़ था उसका, केजीएफ का 1,200 ग्रॉस गया है शायद। ग्रॉस नहीं नहीं 1,200 गया है बारह वर्ल्ड सौ वाइड ना, हाँ 1,200 उसका बारह भी सौ गया गया है केजीएफ उसका, का। ओ ट्रिपल आर हाँ का उसका भी उतना ही गया है। 1,000 करोड़ बन सकती है, क्योंकि इंडिया में राइट्स वाला बड़ा हिसाब किताब है। हाँ, फिर राइट्स भी, राइट्स पे फिर भी इसके पिक्चर में पे 1,000 करोड़ लगाना, काफी नहीं बड़ा यूएस रिस्क का हो जाता हिसाब है क्यों यार। फंस जाता है ना, क्योंकि डिज्नी उन्हीं का स्टूडियो, उन्हीं की म्यूजिक राइट। यार पता है, यूएस के साथ में एक चीज होती है, इन लोग को मिलता है वर्ल्ड वाइड रिलीज से बहुत पैसा कमाते हैं। चाइना वाइना में बहुत पैसा बना लेते हैं, पूरे वर्ल्ड में बिकती है पिक्चर, इंडिया और ग्लोबल लेवल पे इतना मतलब पैसा अभी नहीं कमा आरआरआर चल पाते। रही तो डेफिनेटली जो 700 तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, 700 करोड़। हाँ, 500, 550 तो यही थी, ना 700 तो मेरे ख्याल 700 नहीं, लेकिन सिर्फ बढ़ाने के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए, अगर पिक्चर एक्चुअल में डिमांड करती है तो डिमांड लगाना करती है तो चाहिए, लगाना चाहिए, वरना फिर राधेश्याम जैसा हाल हो जाएगा। एग्जैक्टली, कि पिक्चर राइट। डिजर्व नहीं क्या करती है इतना पैसा राजामौली से लगा तो था कि अपन इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, राजामौली खराब नहीं है। अरे नहीं वैसा मैं नहीं नहीं बोल रहा राजा, हूँ मैं वो बात नहीं हो रही, मतलब लेकिन ये है कि मूवी की अगर डिमांड है तो, जैसे अब इंडियाना जोन्स टाइप की मूवी है तो फिर तो ऑब्वियसली डिमांड होगी, ट्रेजर हंट मूवी है तो फिर तो उसमें डिमांड होगी ही होगी, नो डाउट। आराम से, लेकिन मतलब ये है कि मैं जैसे अगर उस इंटरव्यू की बात करी जाए तो फिर वो इंटरव्यू की बात कर रहा था मैं, कि मतलब वो थोड़ा सा मेरे को वियर्ड लगा, वो जो एक्सेंट एंड एवरीथिंग था वो थोड़ा सा ऐसे पुट ऑन वाली चीज। और मेरे है को ये भी लगा कि यार पिक्चर में बाकी एक्टर्स क्यों नहीं है प्रमोशंस में दिख रहे थे, इंटरनेशनल प्रमोशंस में, मतलब क्योंकि मूवी का फेस जो थे वो जूनियर एनटीआर और रामचरण, क्योंकि अजय देवगन का भी काफी अच्छा खासा रोल था उनकी वाइफ का। हाँ, पर वो लेकिन फेस नहीं थे मूवी का। लेकिन पिक्चर देखने के बाद तुमको याद क्या रहता है? याद वो याद नहीं रहते ना, याद रहते। एग्जैक्टली, अगर बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेशन होता जैसे एक साथ जब जाते हैं सब स्टेज पे तो नहीं 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 उसमें भी नहीं। तुम देखो क्या हो गया, पिक्चर रिलीज हो चुकी है। हाँ, अब उनको पूरी कास्ट लेके प्रमोट हाँ, नहीं करना, क्योंकि हाँ, जो मेजर कमाना था वो कमा चुकी है। एग्जैक्टली अब जो है वो रिकॉग्निशन के लिए जा रहे, तो मेन कास्ट जा रही है, दो एक्टर जा रहे हैं बस 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 वही है। और दूसरी चीज ये भी है ना कि मतलब राजमौली का ही नाम है, अब आपको मूवी से वो नहीं करना है, यू डोंट हैव टू मेक मनी आउट ऑफ द मूवी, ठीक है, बढ़िया है, दबा के प्रमोशन भाई साहब, ये अवार्ड हो। हाँ, अब बस ऑस्कर में उनको डांस करते हुए देख ले एक बार, नाटो नाटो पे बस बस काम बस हो गया। हो गया।